हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:15 और मैं आई हूँ यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करने के लिए। तो मैंने सोचा चलिए आपको यहाँ का व्यू दिखा देती हूँ। आज मैं ये फ्रेंड्स, तो आज मैं दोपहर के लंच के लिए बनाऊंगी गोभी के पराठे, जिसके लिए मैंने लिया है ये एक पत्ता गोभी, जिसको मैं एक चॉपर की सहायता से बारीक बारीक कट कर लूंगी। तो मैं इसमें स्लाइस कट करके बारीक बारीक कट करूंगी। देख सकते हैं कितना बारीक गोभी कट गया है। इसके बाद मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें मैं ये गोभी को डाल दूंगी और इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए थोड़ा भून लेंगे, जिससे इसका जो पानी है वो सूख जाएगा और हमारे पराठे काफ़ी अच्छे बनेंगे। तो 5 से 7 मिनट हमने इसे भून लिया है। अब मैं इसमें बारीक कटा हुआ एक प्याज ऐड कर दूंगी। इसको भी मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। इसके बाद मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर, नमक और थोड़ा सा जीरा पाउडर और गरम मसाला ऐड कर दूंगी और इन सबको हम अच्छे से मिक्स करके गोभी का मसाला तैयार कर लेंगे। तो हमारा गोभी का मसाला तैयार हो गया है। तो चलिए, मैं जब तक छोटे बेबी के लिए मैं मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी बना लेती हूँ। तो मैंने कुकर में 1 छोटा सा चम्मच देसी घी डाला है। इसके बाद मैंने 1 छोटा सा चम्मच इसमें जीरा डाला है। तो जीरा हमारा भुन गया है। तो जीरे के भुनने के बाद मैंने इसमें थोड़े से ही चावल और मूंग की दाल ली है बराबर क्वांटिटी में, और अब मैंने इस कुकर में डाल दिया है और पानी में थोड़ा इसमें ज़्यादा ऐड करूँगी, जिससे क्योंकि खिचड़ी अच्छी सी थोड़ी पतली सी बने, जिससे बेबी को खाने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो अब इसमें मैं नमक ऐड कर दूंगी। नमक के बाद इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी ऐड करूंगी और इसको मिक्स करके कुकर को बंद करके 2 सीटी आने दूंगी। तो जब तक मेरे चावल तैयार होते हैं, तब तक मैं पराठे सेक लेती हूँ गोभी के। तो आप देख सकते हैं पराठे भी मेरे बनकर तैयार और बेबी की खिचड़ी भी। तो ये रहा हमारा लंच। तो इसमें मैंने बनाए गोभी के पराठे, थोड़े से सेब और आम का अचार लिया है और ये हमारे बेबी की खिचड़ी बनकर तैयार है हमारे टिक्कू की। तो चलिए अब हम खाना खा लेते हैं।
खाना हमारा हो चुका है और आप देख रहे हैं ये दोनों कैसे मस्ती कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर अच्छी खासी बारिश हो रही है तो मैंने सोचा खाने के बाद चलिए थोड़ी कॉफ़ी बना लेते हैं। तो मैं बहुत ही इजी तरीके से सिंपल कॉफ़ी बनाती हूँ। मैंने इसमें 2 कप दूध ऐड कर दिया है और इसके बाद मैंने 1 चम्मच शक्कर डाल दी है और दूध को अब हम बॉईल होने देंगे। तो दूध हमारा बॉईल हो चुका है। इसके बाद मैं इसे एक दूसरे बर्तन में छन्नी से छान लेती हूँ। छानने के बाद इसमें मैं 1 चम्मच कॉफ़ी ऐड करूँगी। मैं नेस्कैफे की कॉफ़ी यूज़ करती हूँ तो बस मैंने 1 चम्मच इसमें कॉफ़ी ऐड कर दी है और एक बिस्क की सहायता से मैं इसे अच्छे से फेंट लूँगी। आप यकीन नहीं मानेंगे इससे काफ़ी अच्छी कॉफ़ी बनती है और 2 मिनट में बनकर अच्छी खासी तैयार हो जाती है और इसमें काफ़ी अच्छा फोम भी आता है। सिर्फ मैंने इसे 1 से 2 मिनट ही विस्क किया है तो आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा फोम आ गया है। हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैंने आपके साथ अपना मॉर्निंग टू आफ्टर लंच रूटीन शेयर किया है। तो आप बताइएगा कि आपको मेरा आज का ये ब्लॉग कैसा लगा है। और मैं आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर गई थी तो मैंने थोड़ा सा वीडियो वहां पर शूट किया था। तो मैं ये सभी से बोलना चाहूँगी कि आप एक बार मॉर्निंग वॉक पर जरूर जाइए। और मैंने भी कुछ टाइम से ही स्टार्ट किया है क्योंकि बेबी अभी छोटा था तो मैं मॉर्निंग वॉक पर नहीं जा पाती थी। मैं पहले जाती थी तो मॉर्निंग वॉक हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है। और हम हाउस वाइफ वैसे ही दिन भर घर में रहती हैं, हमारी काफ़ी एक्टिविटी रहती है जिससे कि हमारी अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है। पर अगर कोशिश करके आप सुबह 10 से 15 मिनट भी अपने लिए निकाल लेंगी तो आपका दिन काफ़ी रिफ्रेशिंग फील रहेगा। और आप जब मॉर्निंग वॉक करके आएंगी तो आपको सारा दिन काफ़ी अच्छा लगेगा, ये मैं खुद फील करती हूँ। तो बस इतना ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक दीजिए, शेयर दीजिए। और मेरी मम्मी के आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। टेक केयर, बाय।